ठीक ला चेक कर लेता हूँ। नेट ऑन करना है करो। एक नंबर में रीडिंग है, दो नंबर में भी रीडिंग है, तीन नंबर ग्राउंड है, चंद पांच नंबर पर रीडिंग है, ऐसा चार नंबर रीडिंग है और पांच नंबर रीडिंग है। अब इधर से आइए, छः नंबर पर रीडिंग है, सात नंबर पर भी रीडिंग होगा, रीडिंग है, आठ नंबर एनसी होगा है ना, आठ नंबर एनसी है, फिर नौ नंबर पर रीडिंग नहीं होगा, दस नंबर पर रीडिंग होगा है, दस नंबर पे रीडिंग है, नौ नंबर पर रीडिंग नहीं होगा, नहीं है ना। ये नौ नंबर जिस पे रीडिंग नहीं है, यहाँ देखिए पहला नंबर पर रीडिंग हुआ था लाइट से, तो ये भी जो है ये लाइट से जुड़ा हुआ है, ये कीपैड लाइट है, इसी से कनेक्शन आपका नौ नंबर का, देखिए यहाँ कीपैड लाइट का प्लस है, प्लस साइड से जुड़ा हुआ रहता है, देखिए जला ना लाइट, प्लस में प्लस माइनस माइनस लगाना जल रहता है, जला। अब यहाँ से चेक करेंगे तो नौ नंबर बीप करेगा क्या, यानी वो लाइट के लिए इसमें आपका रीडिंग नहीं आ रहा लेकिन वोल्ट आएगा, रीडिंग नहीं आ रहा लेकिन वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वोल्ट टेस्टिंग में, इतना है। जब आप वोल्ट चेक करेंगे और भी तीन में वोल्ट आएगा, और भी तीन में वोल्ट आएगा, जैसे यहाँ देख लीजिए एक दो तीन और दो पाँच और एक छ है ना, तो ऑटोमेटिक है कि इसमें भी जो आपका पाँच पे वोल्ट आएगा है ना। हम इसके अलावा भी चेक करेंगे चार पे वोल्ट आएगा, कब जब ऑन करेंगे। तो ये हो गया दस पिन का, इसका कनेक्शन कैसे होता है देखिए, नौ नंबर का हो गया एलईडी से ठीक, और दस नंबर का हो गया भी लाइट के लिए होता है, ये एफ पी एफ से होता है दस नंबर का, देखिए ठीक है। हम इसका पूरा आपका फिगर दे देंगे, ये आपका जो है दस नंबर से हो गया, ये नौ नंबर से हो गया, दो को बैकअप हो गया, उसके बाद एक एनसी है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आ गया आपका सात और छः है ना, सात और छः का कनेक्शन होगा आपका यहाँ से, यहाँ देखिए जो रेजिस्टेंस और पीएफ लगा हुआ ना इससे होगा, और इस साइड से भी आपका जो एक नंबर दो नंबर और प्लस आपका नीचे का पाँच नंबर, ये कहाँ से होगा, ये रेजिस्टेंस से होगा ठीक है। लो इसको लो, लगाओ ऊपर से एक नंबर में लगाओ, लगाया है दिखाई दे रहा है, दूसरा में लगा किधर से लगाया, इधर से एक नंबर, हाँ ठीक बोलेगा सही से लगाने लगा, लगा ले सही से लगाओ, लगा ले कितना मतलब इसको देंगे तो तीसरे में टॉप कर तभी बोलेगा जो उसके लिए बोला, ये बीच वाला रेजिस्टेंस बोला, कौन वाला बीच वाला, ये बीच वाला तीनों के बीच वाला, ये तीन पीएफ है और ये तीन रेजिस्टेंस है, वही पांच आपका बोलेगा, एक छह बोलेगा किससे, इधर का दो और इधर का, इधर का चार इधर का दो, छह का है ना, तो छह को पार्ट्स यहाँ लगा हुआ है, छह पार्ट्स बोलेगा क्योंकि वो सीपीयू से आता है, पीएफ सब पावर से हो जाता है और वो जो है आपका सीपीयू से जाता है, रेजिस्टेंस जो है सीपीयू से जाता है ठीक है। 24 पिन का होता है तो उसमें डिस्प्ले ऐसी लगा होता है, कुछ में डिस्प्ले ऐसी नहीं होता लेकिन उसके लिए पार्ट्स लगा होता है, जैसे मैं आपको एक बोर्ड में चेक करके दिखाता हूँ, डिस्प्ले का नोट्स लिए हैं, किसी का इधर होता है, किसी का इधर होता है, किसी का इधर होता है, लेकिन होता 12 पिन ही होता है ठीक है। किससे बोलना चाहिए दो नंबर, देखिए कनेक्शन किस पे आना, पहले वाला पी एफ पे आना जो खड़ा हुआ है ना, उस पी एफ पे आना चाहिए ठीक, उसके बाद तीसरा वाला पिन सेकंड पीएफ जो बचा हुआ उससे बोलना चाहिए ठीक, उसके बाद छठा वाला पिन किससे बोलना चाहिए, नीचे वाला रजिस्टर से बोलना चाहिए
ठीक है। उसके बाद इस साइड का हो गया एक दो तीन, तीन था ना इस साइड का हो गया। अब इस साइड आ जाइए 13, 14, 15 नंबर किससे बोलना चाहिए, ये जो बचा लास्ट वाला पीएफ उससे, यहाँ से पीएफ पे लगाएंगे और कितना नंबर 15 नंबर। उसके बाद 18 नंबर किससे बोलना चाहिए, ये देखिए सकल सर कहाँ है बीच वाले, नहीं नहीं लास्ट वाला फर्स्ट वाले रजिस्टर हम इस पे लगाएंगे और कितना नंबर पे लगाएंगे 18 नंबर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 23 नंबर बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए 23 नंबर का, इस बीच वाले रजिस्टर से है ना जी। 24 वाला किससे बोलना चाहिए, 24 वाला लास्ट वाला लास्ट, ठीक है। 24 पिन जरूर है इसमें जी, लेकिन काम का साथ ही है, आठ जरूर है इसमें काम का साथी है, उसमें भी मैंने दिखाया 10 जरूर पिन था काम का साथी। ये आपका कलर डिस्प्ले है, ये ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले है, इसमें 12 है फिर भी काम का साथी, समझ गए कहा आ गए गुड्डू भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।